सब कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, फाल्गुन का महीना चल रहा है, तो आप सभी जानते हैं कि रंग भरी एकादशी आने वाली है। दोस्तों, जानेंगे कि रंग भरी एकादशी यानी कि अमल की एकादशी कब है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल के साथ। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि रंग भरी एकादशी कब है और यह क्यों मनाई जाती है और सुहाग के लिए क्यों वरदान है, इसकी तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व सभी चीज़ का आज हम अपनी वीडियो में वर्णन करेंगे। यूँ तो एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन रंग भरी एकादशी इकलौती एकादशी है जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का अत्यंत महत्व है। फाल्गुन माह को रंगों का महीना कहा जाता है, इसी कारण से फाल्गुन माह में पड़ने वाली एकादशी तिथि को रंग भरी एकादशी के नाम से माना जाता है। इस साल रंग भरी एकादशी 3 मार्च को मनाई जाएगी। रंग भरी एकादशी को सुहाग की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन यह एकमात्र ऐसी एकादशी है जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। ज्योतिष के अनुसार बताते हैं कि रंग भरी एकादशी का शुभ मुहूर्त, शुभ योग और महत्व क्या है। आइए अब हम बताते हैं कि इसका शुभ मुहूर्त, शुभ योग और महत्व क्या है विस्तार। साथ ही रंग भरी एकादशी पर भद्रा काल के बारे में भी जानेंगे। रंग भरी एकादशी कब है? पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का शुभारंभ 2 मार्च गुरुवार को सुबह 6:39 से हो रहा है, तो वही इसका समापन 3 मार्च दिन शुक्रवार को सुबह 9:11 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार रंग भरी का एकादशी का व्रत 3 मार्च को रखा जाना है। अब हम पूजा मुहूर्त का जानेंगे कब है। इस एकादशी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। ऐसे में इस एकादशी का पूजा मुहूर्त भगवान शिव की नगरी काशी में शिव पूजन के हिसाब से तय होता है, लिहाजा इस दिन सुबह से ही भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा और उन्हें रंग अबीर, गुलाल आदि लगाना शुरू होगा। रंग भरी एकादशी का शुभ योग। रंग भरी एकादशी के दिन प्रातः काल से ही सौभाग्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बनेंगे, जिन्हें पूजा करने के साथ साथ पूजा पाठ एक फल के लिए भी सर्वोत्तम माना जाता है। इस सौभाग्य योग में योग सुबह से ही शाम 6:45 तक और सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह से दोपहर के 3:43 तक रहेगा। भद्रा काल कब है? रंग भरी एकादशी के दिन भद्रा समय 2 बार लगेगा। रंग भरी एकादशी के दिन भद्रा काल सुबह 6:45 से शुरू होगा और 9:11 तक रहेगा, जो धरती पर मान्य होगा। सुबह में 8:58 तक भद्रावास स्वर्ग में माना जाएगा। स्वर्ग में लगने से भद्रा अशुभ नहीं है। ये इसका महत्व जानेंगे। रंग भरी एकादशी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने और उन्हें गुलाल आदि लगाने से में वृद्धि होती है। पति का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और वैवाहिक जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पति के साथ जीवन भरपूर प्यार के साथ बीतता है और संतान सुख भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर।